हेलो गाइस, वेरी वॉर्म गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले क्षमा माफी, मैं बहुत लेट पोस्ट कर रहा हूँ वीडियो। दरअसल बात ऐसी है कि पिछले 3-4 दिनों से मैं आपकी वीडियो ही प्रिपेयर कर रहा था और अचानक मुझे मैसेज आता है कि आपकी वीडियो कॉपी करके फेसबुक पे डाल दी गई है किसी अनजान व्यक्ति द्वारा। ठीक है, तो गाइस कॉपीराइट वगैरह का इश्यू था। वो वीडियो फेसबुक पे ट्रेंडिंग पे थी एंड एक दिन में ही उसमें 6 लाख व्यूज़ आ गए थे गाइस। 6 लाख, इतने मेरे चैनल पे नहीं व्यूज़ जितने उस वीडियो पे आ गए थे। एंड दैट वीडियो वॉज, मतलब कैसे थी, कॉपी कर दी और पेस्ट कर दी, जैसे तुम कंप्यूटर पे जनरली करते हो ऐसा था। एंड गाइस इतना डिप्रेसिंग, डिमोटिवेटिंग, और वो ऐसा था ना वो चीज़। पहले 2 दिन बाद मैंने फेसबुक से कॉन्टैक्ट किया कि वो कैसे करे, उसको क्या करे, आई डोंट नो। मैं बहुत ही मुश्किल से डाउन हुई है वो वीडियो, 3 दिन लगे और मैं बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पाया गाइस अपनी ओरिजिनल, मतलब जो मैंने अभी नेक्स्ट वीडियो डालनी थी। तो इस वीडियो के शुरुआत में मैं ये सब बता रहा हूँ आपको। यू गाइस आर माय फैमिली एंड आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम रियली सॉरी ये सब हुआ। और ये ढक्कन कहाँ से? अच्छा सॉरी, आई एम रियली सॉरी ये सब हुआ। एंड उस बंदे का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट उसने भाई मेंटली हरास कर दिया था मेरे को। मैंने उसको रिक्वेस्ट भी की, फ़ोन भी किया भाई कि हटा दे मेरी वीडियो, बट नहीं भाई। इसलिए जब घी ना सीधी उंगली से नहीं निकलता ना, तो टेढ़ी करनी पड़ती है, एज यू ऑल नो। तो हमने वही सब किया एंड आई वॉज, मतलब मैं बिल्कुल फ्रंट फुट पे था जहाँ पे मैंने लीगल एक्शन भी लेना शुरू कर दिया था। लिया नहीं था, लीगल एक्शन लेना शुरू कर दिया था। सो अभी तो रिमूव हो गई है दोनों वीडियो, दो वीडियो, एक डॉग वाली जो मेरी यूट्यूब चैनल पे वायरल हुई थी और एक दूसरी बस वाली। इतना डिप्रेसिंग था ना गाइस, मेरा तो मन ही नहीं करता मैं क्या करूँ, मैं वीडियो कैसे करूँ नेक्स्ट एडिट जब ये वीडियो कॉपी होनी है। फ्रॉम नाउ आई विल बी मोस्ट स्ट्रिक्ट ऑन माय एडिटिंग टर्म्स, क्योंकि मेरे को वाटरमार्क भी अभी को यूज़ करना है। इट्स बिकॉज, क्योंकि वो वीडियो कॉपी हो रही है इसलिए मैं नहीं चाहता कि दोबारा ऐसा हो। लग गई भाई, क्या घुटना बजा है कोने पे और यार मेरे को दर्द हो रही है यार, आई फील सो सॉरी फॉर हर। अंकल बीड़ी चलाने की कोशिश कर रही, इतनी हवा में कैसे चलनी ओ भाई ए ए ए ए जड़ी की नहीं, बैलेंस बनाना है, हवा से भी जूझना है। ओ भाई जला दी अंकल ने ओ भाई जला दी अंकल ने उड़ला पहुंचीना बागोरी से रे मारे पीड़ी बीड़ी सवेरे सवेरे वाओ मस्त अंकल, मस्त टैलेंट बोलते हैं इसको, टैलेंट जलवा है हमारा। इतनी हवा भाई, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे, हवा प्लस बैलेंस भी बनाना है, दोनों हाथ से जलानी भी है और भाई पीनी भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। इवन दो आई डोंट सपोर्ट दीज एक्टिविटीज, बट यार देख के मजा आ गया इनको। वाह यार, दी 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 दी
वाह, सुबह सुबह तुमने ये दर्शन करा दिया बाइक। ओ भाई ये बाइक, ओ भाई भैंस की आंख। नेवला जी कहाँ चले भाई? ओ मेरे हेलमेट में वो स्नेक वाला बना है ना ग्राफिक्स, उसको देख के तो नहीं आया। बच गया भाई, आ गया था आगे टायर के नीचे, मैंने तो ब्रेक भी नहीं लगाई, दिखा ही नहीं, एन मूवमेंट पे आया जमीन से सरते सरते। एक तो कैमोफ्लाज हो गया था उसके साथ, मिट्टी के साथ हो भाई, क्या बोले, बच गया। बे भैंस की आंख। हाँ भाई साहब, टच हुआ टायर तो, टच हुआ है बार, पर इनको आइडिया नहीं हुआ, जजमेंट नहीं हुई कि कैसे मैंने बचना है उधर। भाई शुक्र है छोटी गाड़ी नहीं थी, कोई बड़ी गाड़ी बड़े टायर थे इसके तब ठीक रह गई है। भाई साहब भाई, धुआं ने सबको तंग किया हुआ है और इसने भी, कोई कौन पार्क करने की जगह है, तो गेम बचाना पड़े, पता नहीं क्या कर रहे। उफ अल्लाह जी कर्मा, दूसरों पे हंसना नहीं चाहिए कभी भगवान। वाह भाई उससे डबल पड़ रहा है हमारे को तो, कर्मा कर्मा रेस टू पावर टू, कहीं एक और नवार ना मारे, थैंक गॉड। सो प्लीज सब सपा करा सारा कबर सबरा कराए सारा सारा कब वॉटएवर।